शांति। आज की हम मुरली सुनेंगे, 1/1/2022 की मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें सदा सर्विस के ख्यालातों में रहना है, ज्ञानी तो आत्मा बनना है, समय व्यर्थ नहीं गवाना है। क्वेश्चन है, जो ज्ञानवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे सदा सर्विस पर जुटे रहेंगे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने में उन्हें खुशी होगी, बाबा भी उनसे राजी होगा। वह कब बाह्यात खान पान आदि के ख्यालों में समय नहीं गवाएंगे, उनको कभी रोना नहीं आ सकता, उन्हें कभी यह अहंकार नहीं आएगा कि फलाने को हमने ज्ञान दिया, हमेशा कहेंगे बाबा ने दिया। गीत है, दुखियों पर रहम करो, ओम शांति। यह तो बच्चे अभी जानते हैं कि बाबा ने रहम किया था, अब फिर कर रहे हैं। रहम करने वाला कौन है, फिर बेरहमी कौन है? यह बरोबर अभी तुम ही जानते हो। बाबा ने रहम किया भारत पर, भारत को हीरे जैसा बनाया, श्रेष्ठाचारी देवी स्वराज्य दिया, तुम अब समझ रहे हो। लक्ष्मी नारायण को राज्य भाग्य किसने दिया? जरूर परमपिता परमात्मा ने रचना रची, देवताओं ने परमपिता परमात्मा से वर्षा लिया, यह दुनिया नहीं जानती है। भारतवासियों को स्वराज्य था, बाबा ने रहम किया था, फिर रहम मांगते हैं। बेरहमी कौन मिला? जिसने दुखी कंगाल भ्रष्टाचारी बनाया, उनकी एफजी वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं। इस रावण ने ही दुख दिया है, जो दुख देते हैं वह तंग करते हैं, तो उनको उनका बैर लेने के लिए, उनकी इंसल्ट करने के लिए एफजी बनाते हैं। बाप कहते हैं, यह सब पतित है, खुद को पतित भी मानते हैं, फिर ईश्वर भी मानते हैं, अखबार में डालते भी हैं, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत परिस्तान था, सबसे पहले थे देवताएं, फिर इस्लामी बौद्धि आदि हुए, बच्चों को हिसाब किताब बता दिया, बीच में और भी धर्म आ जाते हैं, अब भारतवासी चित्रों को भी मानते हैं, इसलिए यह प्रश्नावली भी बनाई है। इस पर समझाना बहुत सहज है, परंतु जिसने जिनमें ज्ञान नहीं है उनको बुद्धू कहा जाता है। ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाना है, भले सर्विस तो और भी बहुत है, परंतु वह हुई स्थूल सर्विस। कोई कमांडर, कोई जनरल, कोई प्याते भी होते हैं, खान पान आदि बनाना है, यह भी सर्विस है, इनका भी फल अवश्य मिलता है। समझते हैं, ज्ञानी तू आत्माओं की, हम सर्विस करते हैं, सेवा करने के लिए दिल पर चढ़ते हैं, सब महिमा करते हैं। बाकी यह जरूर है, ज्ञानी तू आत्मा बाप को अति प्रिय है, इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे प्रिय नहीं है, सबकी सर्विस दिखाई पड़ती है। बाबा से कोई पूछे, मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, तो बाबा बता देते हैं तो इतने पद पाए, परंतु यह पद तो इतना नहीं पाएंगे, तो मित्र संबंधियों की सर्विस भी बहुत कर सकते हो। मतलब सर्विस का ख्याल रखना चाहिए, फालतू समय नहीं गवाना चाहिए। उनको बाबा बुद्धू कहते हैं। बाबा कितनी अच्छी पॉइंट समझाते हैं, प्रश्नावली भी बहुत अच्छी है। जगत अंबा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनेगी राज राजेश्वरी है लक्ष्मी, बनेंगे सत्यु में। यह महिमा जगत अंबा की
इस समय की है। बच्चों की हड्डी धारणा परिपक्व अवस्था चाहिए, तब दिल पर चढ़ सकेंगे। बाबा कहते स्कूल में भी स्टूडेंट नंबर बार दिल पर चढ़ते हैं ना, तो हम कौन है? वैरायटी होते हैं। यह पॉइंट समझाने की बहुत अच्छी है। जगत अम्बा को धन लक्ष्मी नहीं कहेंगे, यह है जगत अम्बा, इनको गॉड ने नॉलेज दी है, इसलिए सरस्वती गॉड ऑफ नॉलेज गाई हुई है। इसमें इन नाम रूप में गॉड गॉडेस ऑफ नॉलेज, जिस नॉलेज से ही फिर पद पाया, पास्ट जन्म में नॉलेज पाई तब लक्ष्मी बनी। लक्ष्मी पास्ट जन्म में जगदम्बा थी, यह तो बिल्कुल क्लियर राज है। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर क्या बनेंगे, एक एक बात बड़ी अच्छी है। लक्ष्मी कैसे 84 जन्म लेती है, कहां कहां लेती है, यह समझने की बातें हैं। समझाने की खुशी रहती है, दान देने में खुशी होती है ना। बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, तो फिर औरों को दान देने की सर्विस करनी चाहिए। सिर्फ मम्मा बाबा के पिछाड़ी नहीं पड़ना चाहिए, सर्विस पर लगना है तब बाबा राजी हो। ज्ञानवान सर्विस में जुटा रहेगा, सर्विस में नहीं जुटते तो उनको बुद्धू कहेंगे। वह समझते हैं हम बाबा की दिल पर नहीं है, परंतु फालतू खान पान के ख्यालात चलते हैं। एम ऑब्जेक्ट बाहर में तो बहुत अच्छी लिखी हुई है, नाम लिखा हुआ है, यह है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। बाबा से 21 जन्मों के लिए फिर से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा मिलता है। बोर्ड पर एक्यूपेशन पूरा लिखा हुआ है ना, परंतु समझते कुछ भी नहीं है, फिर पूछते भी नहीं। दुकान होती है तो उन पर बोर्ड लगा हुआ होता है, यह मिल्क की दुकान है, यह फलाने की। सत्संग पर कभी बोर्ड नहीं लगता, वह तो नामी ग्रामी हो जाते हैं ना। यहाँ तो बोर्ड लगा हुआ है, तो 21 जन्मों के लिए दैवी पद प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है, परंतु फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है। फिर अंदर आकर पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है, परंतु बोर्ड पढ़ते नहीं है, तो जो एम ऑब्जेक्ट समझ सके देखना चाहिए ना। किसी का किसका दुकान है, परंतु कुछ भी समझते नहीं है। आदिदेव का नाम भी महावीर हनुमान रख दिया है, परंतु यह कौन है, कब होकर के गए, जानते कुछ भी नहीं है। तुम बच्चे भी तुम बच्चों को समझाने की बहुत हिम्मत चाहिए। समझाने वाले में ही अगर कोई विकार होगा तो किसी को तीर नहीं लगेगा, अगर किसी को तीर लगा भी है तो शिपावा समझाते हैं। जिनमें कोई अवगुण है तो उनकी समझाने किसी को लगेगी नहीं, वह तो बाबा आकर के किसी को दृष्टि दे ज्ञान देते हैं। वह ऐसे ना समझे मैंने इनको बहुत अच्छा ज्ञान दिया, मेरे ज्ञान में इनमें परिवर्तन आया, यह भी उल्टा अहंकार है। जिसमें रोने की आदत है वह किसी को ज्ञान नहीं दे सकते, वह तो विधवा हो गई, वह कभी नहीं समझेंगे कि मैं किसको ज्ञान दे सकती हूँ। बाबा कहते वह तो बाप उनका कल्याण कर देते हैं, रोया तो उनकी दुर्गति है। तुम जानते हो हम हर्षित मुख देवी देवता बनने वाले हैं, अगर रोते हैं तो खोटे माना कर्म खोटे हैं किए हुए हैं। जो धोखा देते हैं अच्छे अच्छे भी रोते हैं, फिर बाबा को किसी को उठाना है तो खुद आकर के दृष्टि दे देते हैं, रोते हैं तो विधवा। यहाँ कहते हैं हम राम के बने हैं और फिर रोते हैं तो गोया उनका राम मर गया, गोया राम से बुद्धि योग टूटा हुआ है, बेमुख है, अवस्था बड़ी अच्छी है। भल कोई प्रभावित होते हैं, परंतु वह बाबा की ताकत से प्रभावित होते हैं। बाबा जो बोलेगा उसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि बाप है ही सत्य।
अगर कोई अक्सर निकल भी गया तो बिगड़ी को बनाने वाला बैठा है। इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाप समझाते हैं, सर्विस पर उपस्थित है, उनको बच्चों की भी रखनी है। बीके कहलाते हैं तो मदद भी करते हैं। कोई कोई बीके और ही नुकसान करते हैं। बाप भी जानते हैं, जो जिज्ञासु भी जानते हैं, बाप भी जानते हैं और जिज्ञासु भी जानते हैं, इनकी चलन ऐसी है, ठीक नहीं है। तब कहेंगे, बाबा इनको अपने पास मंगा लो। तो बच्चों को तो दधीची ऋषि मुआफिक हड्डी स्वाहा, मुर्दे हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। कोई कोई तो नवाब होकर चलते हैं। बाप समझाते हैं, इस कमाई में भी ग्रहचारी बैठती है, दशाएं बदलती है, कब बृहस्पति की, कब शुक्र की और कब मंगल की, कब राहु की, फिर एकदम चकना चूर हो जाते हैं। बाबा बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट समझाते हैं। बोलो, आप तो बड़े बड़े आप तो बड़े अच्छी बुद्धिमान पढ़े लिखे हो, बोर्ड पर तो पूरी एम ऑब्जेक्ट लिखी हुई है ना। तो एम ऑब्जेक्ट को जब समझेंगे तब उस रुहाब से अंदर आए। लिखा हुआ है, गॉड फादर से वर्षा मिलता है, 21 जन्म और 2500 वर्ष के लिए सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी। कोई तो अच्छी रीति समझेंगे, क्योंकि नंबर बार ग्राहक है। यह सब शिव बाबा की दुकान है, सेठ एक है। यह दुकान तो हजारों लाखों की अंदाज में निकलेंगे। सन्यासियों के कितने दुकान है, विलायत में भी है। विलायत वाले समझाते हैं कि भारत का प्राचीन योग और ज्ञान सन्यासी, मतलब भारत का प्राचीन योग और ज्ञान सन्यासी ही देते होंगे, परंतु नहीं, यह तो बाप ही आकर के देते हैं। मनुष्य कोई भी यह ज्ञान दे नहीं सकते, परंतु सिर्फ देने वाले बाप का नाम बदलकर बच्चे का नाम रख दिया। तुम सिद्ध करके बताते हो कि हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर ही बैड समझाते हैं। पोप को भी दिखाते लिखते हैं, पोप को भी लिखते हैं, भारत की यात्रा पर आए, परंतु यह यात्रा को पूरा समझा नहीं। अब कहो तो तुम्हारे पास किसको भेजते हैं, यहाँ तो वो लोग आ नहीं सकते, पोजीशन बहुत रहता है। बाबा कहते यहाँ तो गरीब आएंगे, परंतु क्राइस्ट बेगर है। इस समय हम भी बेगर बेगर से प्रिंस बनने वाले हैं। भल इनके पास बहुत धन है, परंतु बेगर कहते हैं, क्राइस्ट गरीब है, जरूर गरीबी में ही आएंगे ज्ञान लेने। सलाम तो भरना है ना, कयामत का समय है, हिसाब किताब चुप्त करने वाला है। नंबर वन सलाम करने वाला भी यहाँ बैठा है, तो वह भी आएंगे। तुम्हारी यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, तो मुख्य चित्र है लक्ष्मी नारायण, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उन्हों के चित्र चले आते हैं, हमारे तो चित्र विनाश हो जाते हैं। एक्यूरेट चित्र थोड़े ही कोई है। देलवाड़ा मंदिर में भी जगत अम्बा और लक्ष्मी नारायण के चित्र है, परंतु किसी को पता नहीं कि ज्ञान ज्ञानेश्वरी स्वराज राजेश्वरी बनती है। जरूर उनके बच्चे भी होंगे। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, ब्राह्मण ही पढ़कर देवता बनते हैं, कितना क्लियर है। बाप समझाते हैं, मुझे बच्चों को शो करना होता है, ऐसे नहीं उनका फल उनको मिलेगा, नहीं बच्चों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा। मैं सर्विस करता हूँ, वह तो जिसको दृष्टि देता हूँ उनकी तकदीर है। यह जगदम्बा कौन है, क्या प्रारब्ध पाई, इन बातों को मनुष्य नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे रोने रोना भी अब सगुन है, यह बेहद बाप का घर है। जो खुद रोते हैं वह औरों को क्या सर्विस कर हंसाएंगे। यहाँ तो हंसना सिखाना है ना, हंसना अर्थात मुस्कुराना, आवाज से भी हंसना नहीं। कितनी शिक्षा दी जाती है, पॉइंट समझाई जाती है, दिन प्रतिदिन नॉलेज सहज होती है।
तुम्हारे में भी ताकत आ जाती है। अच्छा मीठे मीठे सकिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, कभी भी अपना अहंकार नहीं दिखाना है। दधीचि ऋषि मिशन सेवा में हड्डी देनी है। दूसरा है सदा हर्षित मुख रहना है, कभी रोना नहीं है। रोना माना विधवा बनना, इसलिए सदा मुस्कुराते रहना है, जोर से भी हंसना नहीं है। वरदान है एक बाप में सारे संसार की अनुभूति करते हुए निरंतर एक की याद में रहने वाले सहज योगी भव। सहज योग का अर्थ है एक को याद करना, एक बाप दूसरा ना कोई, तन मन धन सब तेरा मेरा नहीं, ऐसे दृष्टि बनकर डबल लाइट रहने वाले सहज योगी भव। सहज योगी बनने की सहज विधि है एक को याद करना, एक में सब कुछ अनुभव करना। बाप ही संसार है तो बाप सहज, बाप ही संसार है तो याद सहज हो गई ना। आधा कल्प मेहनत की अभी बाप मेहनत से छुड़ाते हैं, लेकिन यदि फिर भी मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण है अपनी कमजोरी। स्लोगन है, महान आत्मा वह है जो पवित्र रूपी धर्म को जीवन में धारण करता है, जो पवित्रता रूपी धर्म को धारण करता है। विशेष अटेंशन है, जनवरी मास हम सबके प्रति प्रिय पिता श्री ब्रह्मा की समानता और संपूर्णता का विशेष मास है। पूरा ही मास हम सब ब्रह्मा वर्ष विशेष शिव बाबा के साथ साथ ब्रह्मा बाबा के स्नेह में समाये हुए रहते हैं। बाप कहते हैं यह स्नेह में समाना भी सम्मान बनना है। भक्तों ने इस स्नेह में समाने की स्थिति के लिए कहा है कि आत्मा परमात्मा में समा जाती है, तो आओ हम सभी पूरा ही मास उस लवली स्थिति में समाने का अनुभव करें। इसी लक्ष्य से रोज की मुरली के नीचे लव में लीन होने की एक विशेष पॉइंट लिख रहे हैं। आप इसी अनुसार मुरली क्लास में के बाद रोज 10 मिनट योग अभ्यास करना जी। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। प्यार के सागर बाप के साथ मिलन मनाते प्यार से बाबा कहो और उसी प्यार में समा जाओ, लगन में मगन हो जाओ। यह लवली स्थिति और सब बातों को सहज समाप्त कर देगी। प्यार के सागर बाप में प्यार के सागर बाप के साथ मिलन मनाते प्यार से बाबा कहो और उसी प्यार में समा जाओ। ओम शांति।